गाइस गुड मॉर्निंग, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। आज अपने साथ में भोर भाई है, रानीवाड़ा जा रहे हैं। आज है 4 जुलाई। कितना शानदार सुबह सुबह ये रोड का नज़ारा देख लो। चलते हैं सीधा रानीवाड़ा। रानीवाड़ा पहुंच गए और एक सरसों की गाड़ी करवानी थी तो वो करवाने दे दी है। अब हम लोग लेने जा रहे हैं बुक बच्चों की मेन मार्केट में। अभी जाएंगे अशोक स्टेशनरी, वहाँ से लेंगे बुक बच्चों के लिए क्योंकि स्कूल ओपन हो गई है। ये देख लो भाई, रानीवाड़ा बाजार, भारतीय स्टेट बैंक। करणोबा ही ले लिया हमारे, सॉन्ग चालू हो जाना। ये आ गई है अशोक स्टेशनरी, यहाँ से खरीदेंगे बुक। स्टेशनरी दबाओ, ये देख लो स्टेशनरी की दुकान से भोर भाई बच्चों के ले रहे हैं बुक। और ये देख लो बहुत बड़ा बिल बना रहे हैं अशोक भाई, और ये बहुत सारी भीड़ है आज। दोस्तों बहुत गर्मी है, इम्यूनिटी इतनी बड़ी हुई है और हम लोगों को बहुत टाइम लग गया इधर। ये बहुत सारी बुकें थी ये निकालने में, देखो हमको भीनमाला फाटक पे। देखो ये ट्रेन का ट्रैफिक मिल गया आज, ये ट्रेन इधर खड़ी है, पैसेंजर सब उतर के आगे जा रहे हैं। मालूम नहीं क्यों, कोई एक्सीडेंट हुआ है कि क्या जान, और ट्रैफिक हो गया पूरा। ये देखो शायद कोई कटा है। ये देखो ट्रेन रुकी हुई है, एम्बुलेंस आई है। रोगी तो है कोई, वो साइड में कोई आदमी है। ये देखो आदमी उधर पड़ा है। दोस्तों ये देखो हमारे सामने भी जस्ट एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के नीचे आदमी आ गया, आदमी भी एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। सभी से निवेदन है कि पटरियाँ यदि क्रॉस करो तो संभाल के करो, क्योंकि कभी भी ट्रेन आ सकती है और ट्रेन स्पीड में रहती है एक्सीडेंट हो जाता है, तो कृपया सावधान रहें। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पंचेरी में, जहाँ पहले कैमल सफारी होती थी वहीं है। श्री राम वाटर पार्क बना हुआ है और देखो बड़ा शानदार है। ये देख लो, ये सुंदा माता की पहाड़ी आगे पीछे, और पंचेरी में ये बना हुआ है श्री राम वाटर पार्क। इधर इनके मामा जी बीजाराम और मसरा भाई देखते हैं, हमारे गांव से चिमनगढ़ से ही हैं, तो इनके साथ में दिखाता हूँ। ये देखो लॉन लगी हुई है, बहुत शानदार है, ठंडी हवा आ रही है इधर। और ये देख लो बच्चों के लिए बहुत सारी इम्यूनिटी लगी हुई है, जैसे गेम है, झूले हैं बच्चों के लिए, बहुत शानदार प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। इसका नाम है श्री राम वाटर पार्क पंचेरी, कभी भी आओ तो इधर आप एंजॉय कर सकते हो। ये देख लो ये वाटर पार्क है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर। तो देखो बहुत शानदार, अच्छे तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी गर्मी के दिन है। और ये बाइक भी है इधर, ये देख लो स्कूटर, ये वाली गाड़ी भी है, ये देख लो। और बांस के बने हुए झोपड़े भी है, जिधर आप फास्ट फूड कुछ चाय नाश्ता कर सकते हो, बड़ा शानदार है। ये देख लो बड़ा शानदार है बच्चों के खेलने के लिए। और यदि आप सुंदर माता की तरफ आओ तो एक बार श्री राम वाटर पार्क पंचेरी अवश्य आपको आना चाहिए,
हम भी अभी इधर स्नान करेंगे, भाई साहब के साथ में आए थे, इधर एंजॉय करेंगे। तो हम लोग भी हो गए नहाने के लिए तैयार। ये देख लो भोर भाई ने अंदर जम मार लिया, एंजॉय कर ले। और ये देख लो सामने की साइड में क्या दोरे लगे हुए, बहुत शानदार हवा बहुत आ रही है और बहुत बड़े बड़े दोरे, ये देख लो। ठीक है मस्त है, वाह बहुत साफ सुथरा पानी है। तो अभी मैं भी जम मारता हूँ पानी के अंदर। अब मैं अंदर डुबकी मार रहा हूँ। अभी सारे लोग थे वो सब का टाइम हो गया पूरा, एक एक घंटा हमारा बैलेंस है। तो हम मैं और भोर भाई नहा रहे हैं, लो पकड़ो अनमे देख रहे अद्धा रुपये दोनों माथा टच करना, टच इसको। तो अभी हम लोग आनंद उठा रहे हैं, ये ऊपर ना बाहर पूरा आवे फिर थोड़ा बस, बस बस ये देख लो एक मिनट है तो दोस्तों वाटर पार्क में मस्त स्विमिंग कर लिए, अब इधर पियेंगे चाय। चाय का ऑर्डर दिया है, तब तक मैं आपको थोड़ा दौरे पे जाके इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ। इधर चाय नाश्ता खाना सभी मिलता है। ये लोकेशन दोस्तों मालवाड़ा से सुंदा माता जी वाले रास्ते पे है, जो पंचेरी बोलते हैं। तो उधर कैमल सफारी भी है, ये देख लो ये बहुत बड़े रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स है और सामने पहाड़ी है। और ये जो श्री राम वाटर पार्क है इधर बड़ा शानदार, इधर आओ तो कभी अवश्य एक बार विजिट करिए। रानी नियर बाय रानीवाड़ा बहुत शानदार पिकनिक पॉइंट है, ये देख लो। फोटो फ्रेम है, कैमल सफारी है, काफ़ी कुछ है, बॉन फायर के लिए ये रखा हुआ है। तो अच्छा व्यू है इधर से, बहुत बड़े सैंड ड्यून्स हैं, आप देख सकते हो सामने सुंदर पर्वत, ये देख लो। और इधर हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो नियर बाय रानीवाड़ा और रानीवाड़ा टू वीओ मालवाड़ा सुंदर माता जाते हुए रास्ते में तो एक बार अवश्य विजिट करिए, बहुत शानदार नज़ारा इधर का, आनंद आएगा। कैमल सफारी, ये 4x4 जिप्सी की भी सफारी करवाते हैं, बहुत शानदार है। और एक बार इस वाटर पार्क में अवश्य आएगा, बहुत मज़ा आ गया हमें भी आज। दोस्तों आज बहुत मज़ा आ गया, पंचेरी से निकल गए और हम लोग आ गए रानीवाड़ा की तरफ, सामान है वो थोड़ा लेते हैं और फिर निकलेंगे सीधा घर पे। ये देख लो कितना शानदार रोड बन गया है रानीवाड़ा भिंडवाल। तो रानीवाड़ा से मुझे भी कुछ सामान लेना था और भोर भाई को भी लेना था, दोनों भाइयों ने सामान ले लिया है, रानीवाड़ा से घर निकल गए। भोर भाई आज कैसा लगा? शानदार, मजा आया। दोस्तों एक बार विजिट अवश्य कीजिए क्योंकि हम लोगों को तो बहुत मजा आया, इतना अपने पास में इतनी शानदार साफ सुथरी जगह है, आप एक बार उधर अवश्य जाएं। तो गाइस घर पे पहुंच गया हूं, ये आज अभी लेके आया हूं ये वाला श्रीराम का फर्टिज, जो एक दो दिन में मूंगफलियों में देना है, ये देख लो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ रहा है क्या तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।